महापर्व छठ की। गाजियाबाद के लोनी नगर पालिका क्षेत्र में छठ महापर्व की तैयारियों को लेकर स्थानीय प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आया। वहीं यमुना नदी के तट के किनारे नगर पालिका ने सुंदर घाट बनाकर छठ व्रत धारियों को छठ पर्व का तोहफा दिया। यहां पर पहुंचे छठ व्रत धारियों ने खुले मन से उत्तर प्रदेश सरकार और लोनी नगर पालिका की जमकर तारीफ करते हुए कहा है कि पहली बार इतने सुंदर घाट पूजा करने के लिए प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवाए गए हैं। वही घाटों का जायजा लेने के लिए हमारे के न्यूज के संवाददाता जयवीर मावी छठ घाटों पर पहुंचे और उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। देश भर में छठ पर्व का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसको लेकर हम पहुंचे हैं गाजियाबाद लोनी के जमुना नदी के किनारे, जहां मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख पाएंगे जो नदी का पानी है, साफ पानी इसको कहा जा सकता है। हालांकि छठ पर्व की जो तैयारियां हैं नगर पालिका लोनी की तरफ से की गई है, नगर पालिका ने यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। अगर बात करें प्रशासन पूरी तरह से छठ व्रती धारियों को सुरक्षा और सुविधा देने के लिए जिस तरह से जो दावे किए गए थे कहीं ना कहीं सफल नजर आ रहे हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पर तो घाट बनाया गया पूरी तरह से व्यवस्थित है, उधर रस्सी बांधी गई है ताकि कोई छठ व्रती धारी यानी कि जो पूजा करने वाला है उससे आगे ना जा पाए और वो डूबने से बचे रहे। यहाँ पर अगर बात करें तमाम गोताखोरों की ड्यूटी भी लगाई गई है और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। उपजिलाधिकारी लोनी ने भी यहाँ पर कई बार निरीक्षण किया है और जो नगर पालिका है उसको पूरी तरह से जो व्यवस्था है उसको करने की बात कही है। वहीं मैं आपको बता दूँ कि आज शाम को जब सूर्य देवता डूबेंगे यानी कि डूबते हुए सूर्य को आज अर्घ दिया जाएगा शाम को, वहीं सुबह के समय की बात करें तो उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर जो व्रतधारी हैं अपना व्रत खोलेंगे। वहीं मैं आपको दिखा दूं कि अभी भी यहां पर कुछ लोग हैं जो पूजा के लिए अपनी जो जगह है उसको साफ कर रहे हैं, जहां पर पूजा करेंगे उस व्यवस्था को यहाँ पर बना रहे हैं। आप देख पाएंगे कि तमाम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं और अपनी अपनी जो जगह है, जो पूजा की बात करें जहाँ पर शाम को पूजा की जाएगी उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद है। वहीं अगर घाट की बात करें तो सफाई पर विशेष ध्यान इस बार नगर पालिका ने दिया गया है, लाइट की व्यवस्था की गई, वहीं शौचालय भी यहाँ पर लगाए गए हैं। तो कहा जा सकता है कि जो छठ पर्व एक बड़ा महत्वपूर्ण पर्व होता है, इस पर्व को लेकर लोनी प्रशासन और गाजियाबाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। तमाम व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं, चाहे सुरक्षा की बात करें या फिर सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात करें, सुरक्षा पूरी तरह चाक चौबंद है। पुलिस की जो विशेष ड्यूटी यहां पर लगाई गई है, वहीं सफाई के लिए नगर पालिका के तमाम कर्मचारी यहां लगे हुए हैं और तमाम जो जगह है यहां पर सफाई की जा रही है। मैं आपको दिखाऊंगा, आप देख पाएंगे कि जो कूड़ा था उसको हटाने के लिए नगर पालिका के कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं और उस व्यवस्था को बना रहे हैं। साफ सफाई अभी भी यहाँ पर चल रही है और जो सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ यहाँ पर जो व्रतधारी हैं वो यहाँ पर शाम को अर्घ देंगे। और आप सुंदरता की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि कितना सुंदर माहौल व्यवस्था यहाँ पर है। पानी की बात करें तो पानी भी यहाँ पर साफ सुथरा है और जिससे जो व्रतधारी हैं उनको कोई समस्या ना हो, यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। भोजपुरी समाज के प्रमुख छठ पूजा को